मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक परिवार दिखाया जाता है जो कि अभी अभी कनाडा में शिफ्ट हुए होते हैं। इनकी माली हालत अच्छी नहीं होती, इसलिए इन्हें शहर से बाहर रहना पड़ता है। इनका एक बेटा भी होता है जिसका नाम एलेक्स होता है। एलेक्स बताता है कि उसका कनाडा में कोई दोस्त नहीं है, इसलिए वह अपना सारा वक्त अपनी मोम के कंप्यूटर के साथ बिताता है। एलेक्स यहाँ गेम खेलता है और इंटरनेट पर अनजान लोगों से बातें करता है और नई नई साइट पर विजिट करता है। एलेक्स बताता है कि वो बिल गेट की तरह बनना चाहता है जिन्होंने पूरी दुनिया बदल दी। एलेक्स को इंटरनेट पर एक ऐसी साइट भी मिल जाती है जिस पर क्लिक कर एलेक्स पैसे भी कमाता है और एलेक्स उन साइट की मदद से अपनी जिंदगी में पहली बार $140 कमाता है, जिससे एलेक्स बहुत खुश होता है। धीरे धीरे समय बीतता जाता है और एलेक्स अब बड़ा हो जाता है। फिर एलेक्स एक शाम जब अपने घर आता है तो वो देखता है कि उसकी मोम रो रही है। फिर एलेक्स की मोम कहती है कि उसकी बैंक की जॉब अब छूट चुकी है और हमारे पास घर का किराया देने के लिए भी पैसे नहीं है, मकान मालिक हमें घर से निकाल देगा। फिर एलेक्स अपने रूम में जाकर बहुत सारे पैसे लेकर आता है जो उसने बहुत सालों में जमा किए थे। वो सारे पैसे एलेक्स अपनी मोम को दे देता है। इतने सारे पैसे देखकर एलेक्स की मोम कहती है, क्या तुमने चोरी की है? फिर एलेक्स कहता है, मोम मैंने कोई गलत काम नहीं किया है, यह पैसे मैंने अपनी कॉलेज की फीस के लिए जमा किए थे और आप बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं कुछ न कुछ अरेंज कर लूंगा। अब एलेक्स अपनी मोम को पैसे दे तो देता है, लेकिन एलेक्स बहुत ही उदास हो जाता है क्योंकि एलेक्स ने कई सालों की मेहनत से वो पैसे जमा किए थे। उसे नहीं पता होता कि वो अब पैसे कैसे अरेंज करेगा। जब ही एलेक्स अपने कंप्यूटर को ऑन करता है और कंप्यूटर पर टाइप करता है डार्क वेब। डार्क वेब इंटरनेट की वो दुनिया है जहाँ पर इंटरनेट के जरिए सारे गलत काम होते हैं। यहाँ पर कोई भी किसी को ट्रेस नहीं कर सकता। एलेक्स अपना अकाउंट यहाँ पर बनाता है और डार्क वेब में ज्वाइन होने के लिए एलेक्स रिक्वेस्ट भेजता है। डार्क वेब वाले एलेक्स कहते हैं, पहले अपना काम दिखाओ। एलेक्स स्कूल में एक बहुत ही बिगड़ा हुआ लड़का होता है। एलेक्स उसका पागल बनाकर उस लड़के का क्रेडिट कार्ड को चुरा लेता है और डार्क वेब के एक मेंबर को क्रेडिट कार्ड की पिक्चर सेंड कर देता है और ऐसा करने से डार्क वेब में एलेक्स की रैंक थोड़ा ऊपर आ जाती है और एलेक्स को डार्क वेब में सोल्जर का रैंक मिल जाता है। यानी कि अब एलेक्स डार्क वेब में कुछ चीजें चेक कर सकता है। इसके बाद एलेक्स एक हैकर को मैसेज करता है और उससे कहता है, मैं पैसे कमाना चाहता हूँ। वो हैकर एलेक्स को 2 लैपटॉप भेजता है और कहता है, इन लैपटॉप को बेच देना, इसका जो भी प्रॉफिट होगा वो हम आपस में शेयर कर लेंगे। फिर एलेक्स लैपटॉप को बेच देता है और पैसे दोनों आपस में बांट लेते हैं। इसके बाद वो हैकर एलेक्स को बहुत महंगी महंगी चीजें भेजता है जिन सभी को एलेक्स बेच देता है। दरअसल डार्क वेब पर वो हैकर दूसरों के क्रेडिट कार्ड को हैक करके वो चीजें खरीदता है जिन्हें एलेक्स बेचता है। लेकिन एलेक्स जिस शहर में रहता है वो बहुत छोटा होता है और इतनी महंगी महंगी चीजें खरीदने वाले यहाँ पर एलेक्स को नहीं मिलते। इसलिए एलेक्स अपनी मोम डैड से कहता है, मैं अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए दूसरे शहर जा रहा हूँ। और फिर एलेक्स टोरंटो शिफ्ट हो जाता है जहाँ एलेक्स की मुलाकात साई नाम के लड़के से होती है। वो एलेक्स से कहता है, जो भी चीज तुम बेचना चाहते हो मैं उसे जरा सी देर में बेच दूंगा, लेकिन मैं उसका 30% कमीशन लूंगा। फिर एलेक्स भी मान जाता है। फिर यह दोनों साथ मिलकर काम करना शुरू कर देते हैं। लेकिन एलेक्स अब छोटे मोटे कामों से बोर हो चुका है, वो अब कुछ बड़ा करना चाहता है। फिर एलेक्स अपने दोस्त से कहता है, अगर हमें लोगों क्रेडिट कार्ड मिल जाए तो हम बहुत से पैसे कमा सकते हैं। फिर एलेक्स का दोस्त कहता है, मैं इसमें तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। और फिर इस शहर में साई के जितने भी दोस्त अलग अलग जगह काम कर रहे होते हैं वो उन सब से कहकर ऐसे लोगों के क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं जो गलत तरीके से पैसा कमाते हैं, जिससे एलेक्स और साई बहुत सारे पैसे कमा लेते हैं। फिर एक दिन एलेक्स और साई को पुलिस वाले पकड़ लेते हैं, लेकिन यह दोनों पुलिस वालों को बहुत महंगी महंगी चीजें देते हैं जिस वजह से इन्हें पुलिस वाले छोड़ देते हैं। और अब एलेक्स उस बैंक से भी बदला लेना चाहता है जिस बैंक में एलेक्स की मोम को भी जॉब से निकाल दिया था। वहां पर एलेक्स बेस बदल कर जाता है और फिर नीचे कुछ गिरा देता है और फिर उन चीजों को उठाने के बहाने वो कंप्यूटर में एक पेन ड्राइव लगा देता है ताकि वो उस कंप्यूटर का सारा डाटा अपनी पेन ड्राइव में कर ले। लेकिन जब ही बैंक मैनेजर एलेक्स को देख लेता है, वो एलेक्स से पूछता है, ये पेन ड्राइव तुम्हें कहाँ है? और कहता है, अब तुम मुझे सब कुछ सच सच बताओ। लेकिन एलेक्स मैनेजर को कुछ नहीं बताता और फिर वो मैनेजर एलेक्स को पुलिस को बुलाने की धमकी देता है। फिर एलेक्स डर कर उसे सब कुछ बताने को तैयार हो जाता है। एलेक्स कहता है, मैं बैंक में चोरी नहीं कर रहा था, बस यह तो एक मजाक था। मैंने एक ऐसी डिवाइस बनाई है जिसकी मदद से मैं किसी भी कंप्यूटर में वायरस डाल सकता हूँ और मैं आपके कंप्यूटर में बस अपनी डिवाइस चेक कर रहा
रहा था। तुम्हारे बैंक के कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर बहुत पुराना है, तुम चाहो तो मैं इसे अपग्रेड कर सकता हूँ और इसके बाद कोई भी कभी भी तुम्हारे कंप्यूटर को ट्रेस नहीं कर सकेगा और मैं यह तुम्हारे लिए बिल्कुल फ्री करूँगा और इससे तुम्हारा फायदा यह होगा कि तुम्हारे सभी सीनियर तुमसे खुश हो जाएंगे। और फिर मैनेजर एलेक्स की बात मान लेता है और वो फिर उन दोनों को बैंक से जाने देता है। और फिर उसी रात एलेक्स को डार्क वेब पर बहुत सारे मैसेज आना शुरू हो जाते हैं। दरअसल किसी ने डार्क वेब पर यह बात फैला दी होती है कि एलेक्स ने बैंक के सभी सिस्टम को हैक करने की कोशिश की, जिससे एलेक्स डार्क वेब की दुनिया में बहुत ज्यादा फेमस हो जाता है। इन सभी मैसेज में एक मैसेज जेट का भी होता है। जेट डार्क वेब की दुनिया का सबसे खतरनाक हैकर होता है और आए दिन जेट की खबरें न्यूज में आती रहती है। एलेक्स जब जेट का मैसेज देखता है तो बहुत खुश हो जाता है। फिर अगली सुबह यह दोनों देखते हैं कि इन्हें एक लड़की का मैसेज आया हुआ होता है और यह भी एक हैकर होती है जो एलेक्स को मिलने के लिए बुलाती है। इस लड़की का नाम कीरा होता है। फिर एलेक्स कीरा को अपने साथ काम करने के लिए कहता है, कीरा भी मान जाती है और फिर ये तीनों मिलकर एक साथ काम करने लग जाते हैं। कीरा के पास एक ऐसी मशीन होती है जिससे वो नकली क्रेडिट कार्ड बना सकती है और फिर ये तीनों मिलकर बहुत सारे क्रेडिट कार्ड बना लेते हैं, जिन नकली क्रेडिट कार्ड की मदद से ये तीनों बहुत सारे पैसे कमा लेते हैं और ये सारे पैसे अपने बिटकॉइन में रखते हैं ताकि सरकार चाहकर भी इनकी बैंक डिटेल और इनके पैसों के बारे में पता न लगा सके। और इसी तरह यह तीनों काम करके बहुत महंगी महंगी चीजें बेचना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर जितने भी कस्टमर होते हैं वो सब कीरा के होते हैं और फिर एलेक्स और साय कीरा से इन कस्टमर के बारे में पूछते हैं तो कीरा इन्हें बताती है कि उसके एक अंकल हैं, वही सब इन कस्टमर को बेचते हैं। यह तीनों अपने काम में इतना आगे बढ़ जाते हैं कि यह एक फरारी भी खरीद लेते हैं। कीरा ही उस फरारी की डील करती है और अब साय को कीरा पर शक होना शुरू हो जाता है। वो एलेक्स से कहता है, जब ये सब कुछ अपने अंकल के साथ मिलकर कर सकती है तो इसे हमारी जरूरत क्यों है। लेकिन एलेक्स साय की बात को इग्नोर कर देता है और इसके बाद ये एक और बड़ी डील करते हैं, वो डील भी कीरा ही करती है। फिर एलेक्स का दोस्त वहाँ पर जाता है और उन क्लाइंट के बारे में मालूम करने की कोशिश करता है और अब यहाँ पर इन तीनों के बीच में बहस होना शुरू हो जाती है। इसी बहस के दौरान साई उस क्लाइंट को हाथ लगा देता है और फिर ये सब के सब गन निकाल लेते हैं। ये सब के सब गुंडे होते हैं और फिर इन गुंडों का लीडर इनसे कहता है कि अगर आज के बाद तुमने यहाँ पर कोई भी डील करी तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। इसके बाद यह दोनों कीरा के कहने पर हांगकांग चले जाते हैं। हांगकांग आने के बाद यह दोबारा नकली क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करते हैं जो इन्होंने खुद अपनी मशीन से बनाए, उनसे शॉपिंग करना शुरू कर देते हैं। फिर एक रात यह तीनों क्लब में जाते हैं। वहाँ एले के दोस्त की एक लड़की की वजह से कुछ लड़कों से लड़ाई हो जाती है, जिस वजह से पुलिस इन दोनों को अरेस्ट कर लेती है। लेकिन कीरा अपने अंकल की मदद से इन दोनों को छुड़ा लेती है। फिर कीरा और एलेक्स रूम में बैठे होते हैं जब ही वहाँ पर साय आता है। वो क्लब में हुई अपनी हरकत के लिए दोनों से माफी मांगता है। साथ ही साय ने बहुत सारी शॉपिंग की होती है और साय के पास बहुत सारा केस भी होता है। दरअसल साय एक खास क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करता है जो इन्हें उस वक्त मिला था जब इनके साथ कीरा काम नहीं करती थी। लेकिन इस क्रेडिट कार्ड का फायदा यह था कि इस कार्ड की कोई भी लिमिट नहीं होती है, लेकिन इस कार्ड को ये एक ही बार यूज कर सकते थे और साय ने इस कार्ड को दो बार यूज कर लिया था। दूसरी बार ऐसा करने से ये ट्रेस हो सकते हैं। फिर जब यह बात एलेक्स को पता चलती है कि साय ने उस क्रेडिट कार्ड को दूसरी बार यूज कर लिया है, एलेक्स साय पर बहुत गुस्सा करता है और इन दोनों की आपस में बहस होने लगती है। फिर एलेक्स साय को कहता है, तुम टोरंटो वापस चले जाओ। और अब यहाँ पर कीरा और एलेक्स रह जाते हैं जो अपने उन्हीं क्रेडिट कार्ड की मदद से 2.3 मिलियन डॉलर चुरा लेते हैं और हर जगह पर डार्क वेब का कार्ड छोड़ देते हैं। हांगकांग में 2.3 मिलियन डॉलर की चोरी हो गई है, लेकिन किसी को यह नहीं पता होता कि यह किसने किया है। लेकिन डार्क वेब का सबसे खतरनाक हैकर जेड, जो डार्क वेब को कंट्रोल करता है, न्यूज वाले उसे ही जिम्मेदार मानते हैं। फिर कीरा यह फैसला करती है कि वो अब इस काम को नहीं करेगी और कीरा एलेक्स से कहती है कि हमारे पास अब बहुत सारे पैसे हैं, अब हमें आराम की जिंदगी जीना चाहिए। लेकिन एलेक्स अभी भी इस काम को छोड़ना नहीं चाहता। फिर ये दोनों आपस में बहस कर रहे होते हैं जब इन्हें सबसे खतरनाक हैकर जेड का मैसेज आता है जो इन्हें 2.3 मिलियन चोरी करने के लिए शाबाशी देता है। फिर एलेक्स कहता है, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। जेड कहता है, ये कभी नहीं हो सकता। फिर एलेक्स जेड से कहता है, मेरे पास एक ऐसी डील है जिससे हम बिलियन डॉलर कमा सकते हैं। और फिर जेड हैकर एलेक्स से मिलने के लिए तैयार हो जाता है और एलेक्स और कीरा सबसे बड़े हैकर जेड से मिलने जाते हैं। वो हैकर एक व्हीलचेयर पर बैठा होता है और उसका चेहरा भी काफी खराब होता है और यह डार्क वेब की दुनिया का सबसे खतरनाक हैकर है। फिर जेड हैकर इन दोनों से
कहता है मैं तुम्हारे साथ काम क्यों करूं। फिर एलेक्स जेड से कहता है कि मेरे पास एक ऐसा प्लेन है जिस प्लेन की मदद से हम बिलियन डॉलर कमा सकते हैं। फिर जेड एलेक्स से कहता है कि अगर तुमने कोई भी गलती की तो मैं तुमको और तुम्हारे परिवार को जान से मार दूंगा। फिर एलेक्स जेड को अपना प्लेन बताकर किरा के साथ चला जाता है। और बाहर जब ये दोनों अपनी गाड़ी में बैठते हैं, जब ही एलेक्स के पास साई की कॉल आती है जो कि एलेक्स से माफी मांगता है और एलेक्स से कहता है मैं हांगकांग वापस आ चुका हूँ और होटल में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। फिर थोड़ी देर बाद कमरे की घंटी बजती है। साई को लगता है कि एलेक्स आ गया है, पर जब साई दरवाजा खोलता है तो वहाँ पर एलेक्स नहीं बल्कि कोई और होता है। यह वही लोग होते हैं जिनका क्रेडिट कार्ड पिछली बार साई ने यूज किया होता है, जिस कार्ड की वजह से एलेक्स और साई में लड़ाई हुई होती है। फिर कुछ देर बाद होटल में कीरा और एलेक्स भी आ जाते हैं और एलेक्स और कीरा देखते हैं कि उनके दोस्त साई को किसी ने मार दिया है। और फिर एलेक्स यह देखकर बहुत दुखी हो जाता है और वो पुलिस को कॉल करने लग जाता है। फिर कीरा एलेक्स को समझाती है हम ऐसा नहीं कर सकते, अगर हमने ऐसा करा तो पुलिस हमें भी अरेस्ट कर लेगी, इसलिए अब होटल छोड़कर यह दोनों वहां से चले जाते हैं। फिर एलेक्स को सबसे बड़े हैकर जेड की कॉल आती है, वो कहता है मैं तुम्हारे साथ मिलकर काम करना चाहता हूँ। फिर कीरा और एलेक्स अपने इस प्लान को अंजाम देना शुरू करते हैं। एलेक्स और कीरा एक रूम में जाते हैं जहाँ पहले से लोग कंप्यूटर चला रहे होते हैं। फिर वहीं जेड हैकर को दिखाया जाता है जो अपनी स्क्रीन पर शेयर मार्केट को देख रहा होता है। वहीं न्यूयॉर्क में फेडरल रिजर्व बैंक के चेयरमैन को दिखाया जाता है जिसकी वजह से पूरी शेयर मार्केट बहुत अच्छी होती है। जब जेड हैकर फेडरल के चेयरमैन को गोली मरवा देता है और जैसे ही चेयरमैन को गोली लगती है एलेक्स कीरा और उनकी पूरी टीम इस खबर को फैलाने में लग जाती है। न्यूज चैनल पर भी यह न्यूज चलना शुरू हो जाती है जिससे बड़े बड़े बिजनेसमैन अपने शेयरों को कम कीमत में बेचना शुरू कर देते हैं और इस वजह से पूरी शेयर मार्केट क्रेश हो जाती है और यह सारे के सारे शेयर जेड हैकर खरीद लेता है। और ऐसा करके जेड हैकर को बिलियन डॉलर का बेनिफिट हो जाता है और जेड हैकर एलेक्स का हिस्सा उसके अकाउंट में भेज देता है और फिर कीरा और उसकी टीम उस जगह से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ हमें फेडरल रिजर्व बैंक का चेयरमैन दिखाया जाता है जो अपने दोस्तों के साथ शिकार कर रहा होता है। तभी उसे फोन पर बताया जाता है कि तुम्हारे मर जाने की खबर पूरी दुनिया में चल रही है। चेयरमैन को कुछ समझ नहीं आता और तभी हमें एक बहरूपिया दिखाया जाता है जिसे गोली मारती थी। उसे फेडरल रिजर्व बैंक के चेयरमैन का बहरूपिया बनाया गया था जिससे ये शेयर मार्केट गिरा सके। दरअसल ये पूरा का पूरा एलेक्स का प्लान होता है ताकि चेयरमैन की झूठी मौत की खबर से मार्केट क्रेश हो जाए और यह अरबों खरबों रुपए का बेनिफिट कर ले। फिर एलेक्स और कीरा जब अपनी गाड़ी में बैठते हैं तो उनके पास कुछ लोग आते हैं जो इन पर गन पॉइंट करके इन्हें बेहोश कर देते हैं। और जब एलेक्स को होश आता है तो उसका चेहरा कपड़े से ढका हुआ होता है। फिर एलेक्स कीरा के बारे में पूछता है, एलेक्स को कोई कुछ नहीं बताता। वहां बैठे एक आदमी को कॉल आती है और उस आदमी से कहते हैं कि एलेक्स को छोड़ दो। फिर एलेक्स को छोड़ दिया जाता है। फिर एलेक्स देखता है कि उसका लैपटॉप टूटा हुआ है और उसके पर्स में से भी सब निकाल लिया है। एलेक्स किसी भी तरह से शहर वापस आ जाता है और वो कीरा को कॉल भी करता है लेकिन कीरा का नंबर स्विच ऑफ होता है। एलेक्स कई दिनों तक कीरा को ढूंढता रहता है। फिर एलेक्स एक दिन साइबर कैफे जाता है जहाँ पर वो डार्क वेब की साइट को खोलने की कोशिश करता है लेकिन वो साइट को सरकार बंद कर चुकी होती है। इसके बाद एलेक्स न्यूज को देखता है तो न्यूज में बताते हैं कि डार्क वेब का सबसे खतरनाक हैकर जेड को गिरफ्तार कर लिया है। जेड हैकर के ऊपर कई आरोप है, साथ ही उसके साथ एक लड़की कीरा जो भागने की कोशिश कर रही थी उसकी गोली लगने से मौत हो गई। एलेक्स यहाँ पर डार्क वेब की साइट को खोलने की कोशिश करता है इसलिए वहाँ पर पुलिस आ जाती है और एलेक्स को गिरफ्तार कर लेती है। उसे थाईलैंड की जेल में बंद कर दिया जाता है जहाँ पर एलेक्स अगले 2 सालों तक रहता है। इन 2 सालों में एलेक्स को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और एलेक्स यहाँ से जाना चाहता है, अपनी फैमिली से मिलना चाहता है। फिर 2 साल के बाद एलेक्स को रिहा कर दिया जाता है। जब एलेक्स बाहर आता है तो सामने गाड़ी में एक लड़की बैठी होती है, यह कोई और नहीं बल्कि कीरा ही होती है। कीरा को जिंदा देखकर एलेक्स बहुत हैरान हो जाता है। फिर कीरा एलेक्स को बताती है कि जिस अंकल के बारे में मैं तुम्हें बार बार कहती थी वो कोई और नहीं बल्कि वो वही बैंक के मैनेजर हैं जिन्होंने एक बार तुम्हें पेन ड्राइव के साथ पकड़ लिया था। और बताती है कि दरअसल पहले मैं जेल में थी, वो मैनेजर जेल में मुझसे मिलने आए और गवर्नमेंट के साथ मिलकर उस बड़े हैकर को पकड़ने का प्लान बनाया और इस प्लान में वो मुझे भी शामिल कर लेते हैं और इसके बदले में वह मेरे ऊपर लगे सभी इल्जामों को हटाने का वादा करते हैं और इस वजह से मैं इस प्लान में उनके साथ शामिल हो जाती हूँ। और कहता है इस लड़के को अपने साथ में शामिल कर लेना और कहती है जिन लोगों ने तुम पर गन पॉइंट करी थी वो भी इस प्लान का हिस्सा था ताकि तुम हांगकांग चलने के लिए तैयार हो जाओ। यहाँ पर
जेड हैकर रहता था ताकि हम उसे पकड़ सके और आगे की स्टोरी तो तुम जानते ही हो। एलेक्स कहता है कि इसका मतलब तुमने मुझसे झूठ कहा। किरा कहती है कि मैंने तुमसे कभी झूठ नहीं कहा, मैंने तुम्हें कई बार बताने की कोशिश करी लेकिन मैं तुम्हें कभी बता नहीं पाई। इसके बाद वो एलेक्स को उसका असली पासपोर्ट दे देती है और एलेक्स से कहती है क्या तुम मेरे साथ घर चलना चाहोगे, और फिर यह ईमानदारी से अपनी नई लाइफ को स्टार्ट करते हैं और हमारी यह मूवी यही एंड हो जाती है। यह मूवी हमारी ट्रू स्टोरी बेस्ड है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियो।